या तो इतने बाहर जाओ देश से, नहीं रहने को तो बोलना पड़ेगा, यहाँ पे रहने को तो बोलना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम आए हैं अनमोल प्रीतम के पास। अनमोल प्रीतम, अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और आप सच्ची पत्रकारिता को फॉलो कर रहे हैं तो आप बेशक अनमोल को जानते होंगे। अनमोल नेशनल दस्तक में काम करते हैं, पत्रकार हैं। उनकी जो एक रिपोर्ट है वो काफी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें कुछ लोग उनसे जबरन जय श्री राम के नारे लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। हम पूरी बात जो है वो अनमोल से जानेंगे, क्या मसला था वहाँ, क्या हुआ और किस तरीके का रवैया वहाँ पर लोगों का था। तो जानेंगे अनमोल से। अनमोल, ये बताइए कि आपकी वो रिपोर्ट कब की है और कब से वो वायरल होनी शुरू हुई? ये रिपोर्ट कल की है और कल मुझे दोपहर के बाद एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि हिंदू सेना और बीजेपी के एक्स स्पोकर्सन है सुनील उपाध्याय, उनके ज्वाइंट फोरम में एक प्रोटेस्ट हो रहा है जो कि जिसकी मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून और यूनिफॉर्म सिविल कोड और आईपीसी की 200 धाराएं चेंज करने की वो बात कर रहे थे। तो मैं गया, मैंने सोचा कि भाई चल के बातचीत किया जाए, क्योंकि एज ए रिपोर्टर तो ये तो मेरा काम ही है कि मैं जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, बात करता हूँ, जानने की कोशिश करता हूँ कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो वहाँ भी मैं इसी मकसद से गया और वहाँ मैंने बातचीत की। तो मेरे कैमरामैन थोड़ा पहले मैंने उनको भेज दिया था, तो मैंने कहा कि आप जाके विजिलेंस कलेक्ट करो, मैं पहुंच रहा हूँ 10 मिनट में। तो मैं जब पहुंचा तो मैंने सबसे पहले विजुअल्स देखे कि क्या है, इससे पहले क्या मैटर था, और नारे उस समय भी लग रहे थे। तो उस विजुअल में मैंने देखा कि नारा लग रहा था कि जब मुल्ले काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे दलित। ये चीज मुझे बहुत हिट की क्योंकि जब मैं फ्रीलांस कर रहा था दिल्ली दंगे के दौरान, उस वक्त मैंने इस चीज फियर को फील किया था कि किस तरह से धार्मिक उन्माद भरे नागरों ने पूरे एक शहर को किस तरह से जला दिया था, किस तरह से लोग बर्बाद हुए। तो ये सब नारे प्रोवोकिंग नारे हैं और इस तरह के जब लोग कर रहे थे, तो मैंने सोचा अभी उनसे बातचीत की जाए और जाना जाए कि पूरा मुद्दा क्या है। आपका कहना यह है कि वहाँ पर जो मांग थी वो कुछ कानूनों को लेकर थी, लेकिन वहाँ माहौल जो था वो एंटी, एक तरह से मुस्लिम कह सकते, ऐसा माहौल था। हाँ, क्योंकि मैंने जब बात की लोगों से तो उसमें 10 साल से जो लोग रिटायर हो गए हैं, आर्मी के जवान हैं, 12वीं में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये सारे लोग थे और ये सब नारे लगा रहे थे। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये सारे लोग एंटी मुस्लिम ही हुए थे, क्योंकि इस बात को कहने के लिए इतने पर्याप्त चीजें आपके लिए होना चाहिए। मैं जो देखा हूँ मैं बस वो बता सकता हूँ कि कुछ समय इस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं। तो मैं गया, मैंने बातचीत की उन लोगों से, तो मुझे उनका मुद्दा पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारा ये मुद्दा है, हम सुनी तो आईपीसी की 200 धाराएं जो कि सनातन संस्कृति के खिलाफ हैं उनको बदलवाना चाहते हैं। तो मैंने थोड़ी और बातचीत की, फिर बात किसानों की होने लगी, फिर उसके बाद बात रोहिंग्या पे आ गई, वो लोग बोले कि रोहिंग्या इस देश। अच्छा, बात आपका जब इंटरव्यू हम लोगों ने पूछा, हम लोगों ने देखी तो उसमें था कि दो लोग आए थे, उन्होंने कहा कि अगर किसानों को उन कानूनों से दिक्कत है तो सरकार उसे रद्द कर दे, उनमें ऐसे भी लोग थे। तो ऐसे लोगों की संख्या कितनी थी वहाँ पर, उनका क्या रवैया रहा जब ये सब चीजें हो रही थी, आपको बोला जा रहा था, क्या वहाँ पे ऐसे भी कुछ लोग थे जो मना कर रहे थे नहीं आप इस? बिल्कुल, किसानों के मुद्दे पे वो पूरा क्राउड दो पार्ट में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट क्राउड का वो था जो ये कह रहा था कि किसान सही है और एक पार्टी ये कह रहा था कि किसान गलत। तो इस पे बातचीत हुई, वो पूरी बातचीत है उस रिपोर्ट में, लेकिन उसके बाद रोहिंग्या का प्रश्न आया और वो लोग कहने लगे कि देश में सारी समस्याओं की जड़ रोहिंग्या है। तो मैंने सवाल पूछा कि अगर रोहिंग्या इतनी बड़ी समस्या है तो 7 साल से प्रधानमंत्री मोदी राइट विंग गवर्नमेंट है, उन्होंने अब तक क्या किया, इसका सलूशन निकालना चाहिए, निकालना चाहिए सलूशन, क्योंकि उसमें वो लोग गलत गए। फिर एक लड़का आया उसमें से और उसको कहने लगा कि ये चैनल जिहादी चैनल,
ये लोग वंदे मातरम से नफरत करते हैं, ये लोग जय श्री राम से नफरत करते हैं, ये लोग भारत माता की जय से नफरत करते हैं, ये लोग मोदी योगी को नहीं दिखाते हैं, ये लोग हिंदुओं के खिलाफ दिखाते हैं, ये लोग मुसलमानों को दिखाते हैं। तो एक पूरा माहौल बन गया, एक तरह से जिहादी सब कहने लगे, सब बोलने लगे भारत माता की जय बोलो। तो वहां थोड़ा सा मैंने क्राउड को मैनेज कर लिया, क्योंकि मेरे पास थोड़ा एक्सपीरियंस है क्राउड को, इतने दिनों से कर रहा हूं, तो मैंने थोड़ा मैनेज कर लिया क्राउड को और इस बात पे कन्विंस कर लिया कि हम बातचीत करते हैं। एज ए रिपोर्टर मैं बात करने आया हूं, आप लोग बात कीजिए, इसमें इतना ज्यादा एग्रेसिव और इतना ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फिर उसके बाद बातचीत हुई, फिर मैंने एक सवाल पूछा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी खुद अनाज दे रहे हैं, जिसका ये साफ संकेत है कि देश में बहुत सारे लोगों को अनाज नहीं मिल रहा। ऐसे में हमारे देश की प्राथमिक मुद्दा गरीबी होना चाहिए, बेरोजगारी होना चाहिए। ऐसे में आप लोग ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे मुद्दे बात करें, क्योंकि खाया गया पेट का मुद्दा है, एक बार पेट सबका भर जाए फिर बैठ कर डिसाइड कर लेंगे क्या गलत है क्या सही है, कितना लागू होना चाहिए कितना नहीं लागू होना चाहिए, प्राथमिकता हमारी रोजगार होनी चाहिए। ये सवाल मेरा पूरा ही नहीं हुआ, उसके पहले ही मतलब भड़क गए और एक 50-55 साल के एक अंकल थे वो आए और चिल्लाने लगे जिहादी जिहादी जिहादी, जय श्री राम बोलो जय श्री राम बोलो। उसके बाद पूरी भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल, पूरी भीड़ में से हर एक आदमी बस ये चिल्ला रहा था कि तुम जय श्री राम बोलो। क्या वहां पे आपको किसी ने ऐसे फिजिकली भी टॉर्चर करने की कोशिश की? फिजिकली तो ऐसे किसी ने मारा पीटा तो नहीं मुझे, लेकिन धक्का मुक्की हुई, क्योंकि कभी कोई कंधे से पकड़ के चीज दे रहा है, कभी कोई खुद ही माइक में बोल दे रहा है। और जब मैं लास्ट में जा रहा था तो एक आदमी ने मेरे पीठ पे ऐसे धक्का दिया और लास्ट एक मोमेंट, एक ऐसा मोमेंट था व्हेन आई रियलाइज कि अब यहाँ पे मैं क्या करूँ। वो एक मतलब डिसाइडिंग मोमेंट था कि जहाँ मुझे चुनना था कि मुझे यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर लेना चाहिए या फिर अपने उसूलों पर खड़ा रहना चाहिए। वो मोमेंट था कि आपने वीडियो में देखा होगा कि एक आदमी है आता है लंबा चौड़ा जिससे डबल हाइट का, और वो मेरे कंधे पे हाथ रख के कहता है कि तुम्हारे मुंह में दही जमा है क्या, क्या तुम जय श्री राम के नारे नहीं लगा सकते। तो जो टोन थी और जो आंखों से उसने जो मुझे घूरा था, उसने एक सेंस ऑफ फियर मेरे अंदर एक आई, डर पैदा कर डर, वो एक डर वाला पॉइंट था, क्योंकि वहां मुझे लगा कि यहाँ आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन जा सकती है और मुझे ये लोग मार सकते हैं पीट सकते हैं। देन उस समय मुझे ये डिसाइड करना था, मुझे अपना पक्ष चुनना था, वही मोमेंट था। तो मैंने सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, देन मैंने मन मन ही कैलकुलेट किया कि अगर मैं कॉम्प्रोमाइज कर लेता तब तो ठीक है मैं यहाँ से चला जाऊंगा, लेकिन अगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करता हूँ तो उसके परिणाम क्या होंगे। तो मैंने सोचा कि क्या होगा अगर ये लोग मारेंगे तो हफ्ता दो हफ्ता में मेरी हड्डियां टूट जाएंगी, मैं बेड रेस्ट पे रहूंगा, या फिर बहुत ज्यादा मार देंगे तो साल डेढ़ साल, या फिर मेरी एक टांग तोड़ देंगे या मेरा एक हाथ तोड़ देंगे या दोनों तोड़ देंगे, शरीर की चोट होगी भर जाएगी कभी ना कभी तो भर जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने उसूलों से समझौता कर लेता हूँ तो जो चोट मेरे उसूलों पर पड़ेगी, जो चोट मेरी आत्मा पर पड़ेगी, वो शायद जिंदगी भर में। और मैंने फिर डिसाइड किया कि मैं ये शरीर की चोट खा लूंगा लेकिन मैं अपनी आत्मा पे चोट नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं हर रात इस बेचैनी में जीऊं कि मैंने कुछ नफरती दंगाई लोगों के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया, अपने असूलों को समर्पित कर दिया। और आने वाली पीढ़ी से, चूंकि मैं युवा हूँ, मेरी पूरी लाइफ पड़ी हुई है, तो आने वाली पीढ़ी के भी किसी को ना लगे और मैं उसको बता सकूं कि मेरे पास भी ये मौका था जब मैं चुन सकता था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए या उसूलों पे अड़ा रहना चाहिए, तो मैंने अपने उसूलों पे अड़े रहना सीखा और चुना और उसी को लेकर कंटिन्यू किया। उसके बाद वो लोग एग्रेसिव हो गए, वो लोग मुझे वहां से धक्का दिए कि जाओ तुम, मेरे कैमरे पे हाथ मारा गया और मैं वहां P2C नहीं कर पाया, मैं पूरा वहां पे बाइंड अप नहीं कर पाया, वहां से 40-50 मीटर दूर मैंने पूरी बात को बांध रखी। तब भी 10-12 लोग मेरे पीछे पीछे आए और वो पूरी बातचीत को सुन रहे थे कि ये क्या बोल रहा है, मतलब पूरी तरह फॉलो कर रहे थे, अगर कुछ गलत बोले तो हम इसको मार भी सकते हैं। ऑफकोर्स वो इसी मोटिव से आए थे, क्योंकि और ये पूरा हुआ, मैंने बाइंड अप किया पूरी खबर को और फिर मैं घर चला आया, फिर खबर अपलोड हुई
लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पे वायरल हुआ और लोगों ने बहुत समर्थन दिया। तो ये चीज जो जिस तरह से लोग इस समय लाखों लोग मेरे पक्ष में बोल रहे हैं, लाखों लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं, ये जो चीज है ये चीज मुझे अच्छी लगी। अच्छी इसलिए कि नहीं इसमें मुझको अप्रिशिएट किया जा रहा है, अच्छी इस सेंस में कि इस देश में ऐसे लोगों की संख्या है, ऐसे लोग अभी भी जिंदा हैं जो सच को अप्रिशिएट करते हैं, जो आपकी इस हिम्मत को अप्रिशिएट करते हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मैं चाहूँगा कि देश के जो भी युवा पत्रकार हैं या जो लोग भी अभी जिनके अंदर भीड़ बाकी है, जिनके जिनकी वसूल अभी मरे नहीं हैं, जो लोग अभी जिंदा हैं, उन सारे लोगों को बहुत हिम्मत मिलेगी और बहुत इंस्पायर करेगी ये हमारी आने वाली जनरेशन को, जो हमारे जूनियर्स हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, जो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं, उनको बोलने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंकरेज करेगा। और ये जो कुछ भी सोशल मीडिया पर लोगों ने किया है आज मेरे लिए, जो ट्रेन चलाया, जो लोगों ने लिखा, वो सब कुछ मैं इस आने वाली पीढ़ी को और उन तमाम जर्नलिस्ट और इंडिविजुअल नागरिक सबको मैं समर्पित करता हूँ। उन सारी सच की आवाजों को समर्पित करता हूँ, जो सच के लिए लड़ते हैं, सच के साथ खड़े रहते हैं। ये सारी ताकत, ये सारा सपोर्ट उस सच। मेरा आखिरी सवाल अनमोल आपसे ये है कि आपने कहा कि ये जो पूरा प्रोटेस्ट था वो एक तरह के पॉलिटिकल एजेंडों को लेकर था, जो हम एक तरह से राइट विंग में देखते हैं, तो क्या इस पूरी पॉलिटिकल पार्टी को, इस पूरे पॉलिटिकल प्रोटेस्ट को, मतलब जो प्रोटेस्ट हुआ उसको हम पॉलिटिकल मोटिवेटेड प्रोटेस्ट कह सकते हैं, या वहां पर सिर्फ आम जनता ऐसी जो संगठन बना के आई हो और जिन्होंने ये सब पॉलिटिकल एजेंडे, मतलब जो मोदी योगी के फैन बेसिकली फैन बेस है वो थी। मैं किसी पुराने रिपोर्ट या पुरानी खबर को आधार बना के बात नहीं करूंगा। मैंने वहाँ जो देखा, मैंने वहाँ जो लोगों से बात की, तो ये कोई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए लोग नहीं थे, ये किसी पार्टी का झंडा लेकर नहीं आए थे। और ये सारे लोग ट्वेल्थ में पढ़ने वाले स्टूडेंट, आर्मी से रिटायर जवान और सरकारी नौकरी करके रिटायर अंकल, इस सब टाइप के लोग थे, समझ रही है, ये मिडिल क्लास जो दिल्ली का मिडिल क्लास है वो लोग थे। और ऑटो ड्राइवर भी इसमें था, वो भी इस तरह की बातें कर रहा था। तो इसको पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये मंच तो था पॉलिटिकली मोटिवेटेड नो डाउट, क्योंकि जो लोग भी इससे जुड़े हुए हैं, जो लोग भी इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनका पॉलिटिकल मोटिवेशन है, पॉलिटिकल बेनिफिट है। लेकिन इसमें जो लोग आए हुए थे वो लोग तो ये चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, 200 धाराएं आई पी सी की खत्म हो जाए और जनसंख्या नियंत्रण कानून हो, क्योंकि मुसलमान 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अब ये डाटा और ये सारी चीजें उनके दिमाग में कैसे आ रही हैं और उसको कैसे यूनाइट हो रहे हैं और इतने एग्रेशन के साथ ये सारी चीजें क्यों रख रहे हैं, ये सब समझने की बात है। एग्रेशन का आपको मतलब अभी तक आपने इतनी सारी जमीनी रिपोर्टें की और ऐसी भी कई चीजें प्रोटेस्ट किए हैं और वहाँ पे भी मैंने और पत्रकारों की रिपोर्ट देखी है, उनमें वो लोग बोल रहे थे कि अगर खुद कुछ ऐसे पत्रकार, राइटिंग के पत्रकार भी बोल रहे थे कि अगर ये लोग हमारी बात नहीं मानेंगे तो क्या आप इन्हें देश से निकाल देंगे, मतलब ऐसे लोगों की मेंटेलिटी बेसिकली। और ये जो पूरा डेटा कहता है कि 40-40 बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये डेटा मतलब इसकी सोच कहाँ से आ रही है, आपको अभी तक एक्सपीरियंस आपके अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से। और थोड़ा सा मैं एक किताब कोट करूँ, एक किताब है मीडिया कंट्रोल, उस किताब में ये चीज थी कि जब अमेरिका में वुड्रो विल्सन की सरकार थी तो उनकी सरकार का एक नारा था पीस ओवर विक्ट्री, यानी कि वो जब कैंपेन कर रहे थे चुनाव का तो उन्होंने ये नारा दिया था कि हमें जीतने से ज्यादा देश में शांति चाहिए, पीस ओवर विक्ट्री उनका नारा। लेकिन जब और जनता ने उनको चुना और उनको राष्ट्रपति बनाया, तो जब उसके बाद एक डेढ़ साल के अंदर ही पूरी पॉलिटिकल सिनेरियो अमेरिका का चेंज हो गया, जो जनता एक ऐसे आदमी को सरकार में लाती है कि पीस ओवर विक्ट्री थी, वो जनता कहती है कि हमें युद्ध चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये पूरी चीज एक पूरा प्रोपेगेंडा है और लोगों के दिमाग को इस तरह से मैन्युफैक्चर किया जा रहा है कि लोगों को अब ट्रिगर करने के लिए किसी पॉलिटिकल पार्टी की या किसी नेता की जरूरत न पड़े, उनको बस आप एक आवाज दो और वो खुद ही ट्रिगर हो जाए। किस तरह से कुछ माहौल, मेरी जानकारी इतनी ही है और मैं बहुत
ज्यादा जानकारी नहीं रखता, सीमित जानकारी रखता हूँ, बहुत कम अभी मेरे पास एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं बस इतना कह सकता हूँ। तो देखा आपने, हमने अभी अनमोल प्रीतम से बात की, अनमोल प्रीतम ने बताया कि किस तरीके से वहां उनको एक भीड़ ने घेर कर जय श्री राम के नारे लगवाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपने जमीर की बात सुनते, अपने उसूलों की बात सुनते उस भीड़ को मैनेज किया और उन्होंने वो नारे लगाने से मना कर दिया, तब भी उनका पीछा किया गया। इस बात से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि राजधानी में काम कर रहे एक पत्रकार को इतनी दिक्कतों और इस भय के माहौल में अगर काम करना पड़ रहा है, तो देश के दूर दराज के कोनों में काम करने वाले पत्रकारों के साथ क्या हो सकता है या क्या होता है। तो इस बात को हम ध्यान में रखें कि ये जो डर का माहौल है, जो एक प्रोपेगेंडा और एक एजेंडे के तौर पे चलाया जा रहा है, हमें इसे काउंटर करना है। हमें अनमोल जैसे पत्रकारों को और ऐसे पत्रकारों को जो सच को दिखाते हैं, जो जमीनी पत्रकारिता को जनता के सामने रखते हैं, जो जनता की बात करते हैं, हमें उन्हें बचाना है, हमें उनके समर्थन में आना है। ऐसी नफरती राजनीति के आगे घुटने नहीं टेकने हैं। देखते रहिए ट्रिब्यून हिंदी, मैं आपके साथ हिना, धन्यवाद।